हेलो इस सर, जी। क्लियर नहीं आ रही थी आवाज, इससे बताना। ओके, मैं कह रहा था बिटिया के वो स्किन पे एलर्जी सी रहती थी काफी, और वो उल्टी अच्छा जाती थी ऊपर भी, तो अच्छा काफी टाइम से कभी होम्योपैथी की दिलाते, कभी कुछ और होते, तो वो जड़ से कभी भी खत्म नहीं होती थी। तो मैंने उसको 3 दिन हील किया था, तीन अच्छा तीन बार 3 दिन नहीं, 3 बार। रात को मैं घर पहुंचता, वो बिटिया को लगाता, वो BSc सेकंड ईयर में है क्लिनिकल साइकोलॉजी से, तो ओके उसको इस बारे में ज्यादा नहीं बताता, ब्लेज से क्या होगा पापा, मैंने कहा तू लगा तो ले, तो उसको दिया। तीसरे दिन मैंने पूछा उससे, अरे ये तो मतलब क्लीन होगी ऊपर से बिल्कुल, वो खरूंड सा बन के उतर गया, तो कमाल हुआ कौन सा प्रोग्राम दिया था, है। कौन सा प्रोग्राम दिया था आपने उसमें? उसमें मैंने ये तो दिया, एक दिन तो प्योर का दिया, फिर मैंने हील का वो स्किन वाला दिया, फिर वो अच्छा मेरिडन में स्किन का अलग से है, स्किन दो है उसमें स्किन के, तो वो मैंने दोनों दिए, एक तो ब्यूटी स्किन वाले में है, हाँ एक प्रॉपर स्किन का है, हाँ हाँ एक मेरिडियन में भी है, राइट। जी मेरिडन में भी है, वो मैंने दोनों दिए, एक मैंने स्टमक का दिया। और अच्छा, दूसरी कमाल की बात एक और बताऊं, मुझे जैसे आईज के लिए मेरे को यूं रहता, मैं चश्मा जैसे अब 1-1.5 साल से जरूरत नहीं थी, अब मुझे यूं लगने लग गया था यार लगाना चाहिए। मैंने 3 दिन दो बार किया आईज वाला, 2 बार, हाँ अब वो बटन जैसी होगी आंख, जो टॉर्च टॉर्च थी, पता नहीं मुझे बहम है या ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कई बार देखता हूँ यार टीवी वाला, ये जो नीचे वाली लाइन है चलती हुई दिखती नहीं थी, ये सही दिख रही है यार, तो ये भी कमाल की चीज है। वाह हाँ क्या था क्या नहीं। और एक मेरा कमाल का रिजल्ट ये रहा कि मैंने, हालांकि मैं 1-1.5 साल से ठीक डे बाय डे हो रहा हूँ पानी की वजह से, जो मैंने पानी चेंज किया, तो लेकिन फिर भी आंत में जो मेरे को एक प्रेशर सा रहता ही था, और दिन मतलब डाइजेशन बिल्कुल ठीक नहीं था वो, और दिन में 2-3 बार बीच में प्रेशर हो जाता था, भाई चलो जाएं टॉयलेट जाएं, ऐसा कुछ रहता था थोड़ा बहुत, पहले से तो ठीक था बार बार, लेकिन मैंने एक दिन खाली बैठे हुए मैं क्या लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों का मैं इसमें कर लेता हूँ, तो मैंने अलग अलग दोनों टिकिए, लीवर का भी किया, एक दिन मैंने गॉल ब्लैडर का किया, अलग अलग से ये मैंने किए थे। अब मैं मतलब आपका जो फोन आया उस टाइम हम समोसे खा रहे थे, तो फिर मैं क्या यार तो अभी करता हूँ बस गाड़ी में बैठ के, वहां शोर शराबा ज्यादा, तो अब उस दिन के बाद से दोनों मतलब इंटरसा पेट में जो फुलावट सी रहती थी वो नहीं है, प्रेशर सा वो नहीं है, और डाइजेशन कई बार चेक करता हूँ मैं, क्या ये ठीक मतलब कमाल है यार, मैं क्या ऐसे कैसे अंदर से जैसे सिलाई सी होती है ना, ऐसे ऐसे मतलब इसने लार्ज इंटेस्टाइन को और इंटेस्टाइन को क्लीन किया इसने, वाह कमाल कमाल की चीज है भाई, दीवार की बात हो है। गया ये तो। कमाल हो गया सर, बवाल मचा दो। हाँ, और एक दिन मैंने इनको बताया नहीं, मेरे साथ बैठे हैं मेरे धर्म भाई हैं, मित्र हैं, प्रद्युम्न शर्मा जी लेक्चरर हैं, तो हाँ जी आर्मी से रिटायर्ड हैं, इनको मैंने एक दिन कहा भाई वो हील करेंगे आप अपना आना, इनको कमर में पेन था, मैंने तो इनको बताया नहीं कुछ, हालांकि ये और कुछ कर रहे नहीं कर रहे पता नहीं, ना मैंने इनसे पूछा क्या रिजल्ट रहा, एक दिन आए थे मेरे पास, मैंने आधे घंटे के लिए इनको हील किया था, उस दिन के बाद दोबारा तो मैंने किया भी नहीं और पूछा भी नहीं, आज भाई चंद साहब का फोन आ गया तो मैं मेरे साथ बैठे हैं, वो जो आपको हील किया था उस दिन के बाद से दर्द कितना है आपको? दर्द आप तो खत्म हो, उस दिन तो हुआ हो नहीं, हाँ उस दिन आपने पूछी तब तो मेरा नहीं था, हाँ लेकिन ये बाद में भी असर डालता हो तो इस हाँ बाद में आपको मेरे तो कमर में था वो जड़ से गया, उस दिन आपने मेरे से पूछा उसी समय, मैं मखा भैया अभी तो देखो हाँ इसमें उसी क्या, समय तो नहीं होता, मान लो हाँ 2 दिन बाद तक असर होता लेकिन दो रहता है, दिन बाद तो आप तो बिल्कुल अब ये भूल भूल अब ये भूल रहे हैं भूल नहीं रहे, आई नहीं तो भूल रहे, बेटे मेरे नहीं होगा तो, नहीं तो मैं आपको बोल नहीं देता हूँ, खुद ही बोल देता हूँ यार दर्द कई दिन रखा मैंने, अब यार हाँ उठन जा रहे मेरे से, हाँ उठा नहीं जा रहा, उस दिन मेरे पास आए थे, तो तो फिर मैं मैं क्या आ जाओ, तो थैंक यू शैलेंद्र जी, बहुत ही लाजवाब, ये शैलेंद्र तिवारी जी हैं, अपने 6 से 4-3 या 4 हो गए थे साहब, थ्री थ्री फोर होने वाला था। हाँ 6-3, कहाँ से हैं?
शैलेंद्र तिवारी जी जिनको आपने वो मैंने एक दिन वीडियो दिखाई थी 6 महीने पहले के वो ले ले बेटा ले ले दोबारा कभी नहीं लेने पड़ेंगे अपनी सिस्टर से। शैलेंद्र साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मतलब जो ना हमारे भी कमर दर्द था वो ठीक हो गया। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू सो मच मोर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बड़ा अच्छा, मतलब ये बढ़िया चीज है। मैं तो ये भी नहीं पता था ये है क्या, इन्होंने मेरे को, मैं ये कहा अभी मेरे ऐसे ऐसे दर्द है, एक बार घर पर आ जाए भाई, मैं घर पर चला गया, इसने मेरे उस हाथ को ही बांध दिया, उस पर ही बांध दिया, बोले ये मतलब इतने मिनट आप लगाए रखो, और मैं मतलब जो ना माँ यार ये क्या सौदा कर रखा है भाई। फिर इन्होंने पूछा तुरंत बाद ही हटाने के बाद, बोले हो गया ठीक, माला भाई हो गया नहीं ठीक, देखो। हाँ तो फिर मेरा अब 2-3 दिन के बाद ना तो मेरे इधर ही बतानी, क्योंकि ठीक हो गया फिर वो अपने आप ही, मतलब वो उसका असर बाद में ज्यादा होता होगा ना, एट ए टाइम नहीं होता होगा, बाद में ही होता है एक्चुअली, फ्रीक्वेंसी का तुरंत नहीं होता सर। हाँ तो क्योंकि अब मेरा दर्द है ही नहीं, अब फिर था तब तो मैंने 5-6 दिन रखी है, तो इन्होंने एक दिन कहा आ जाओ आप मेरे पास, तो मैं चला गया, इन्होंने लगा दिया, तो अब मेरा दर्द तो गायब हो गया। वो कैसे तुरंत पूछा तब तो मैंने ये कहा भाई देख गायब नहीं, मैं कैसे कह दी, अब फिर मेरा 2-3 दिन के बाद गायब ही हो गया, तो याद ही नहीं है फिर नहीं, तो हम यही बात रखते थे कि क्या करें यार, फिर इनका याद आई, बोले चलो आ जाओ आज आप, मैं करता हूँ ठीक। तो इन्होंने जो हुआ बात करी उससे, मतलब इसका मतलब अभी मेरे भी अभी ध्यान में आई है यह बात, इन्होंने जब बात कर रहे थे ना तभी मेरे दिमाग में आई कि जो तेरा दर्द गायब हुआ कुछ तो मेरा पूरी जो बैक है ना मेरी बिल्कुल लॉक हो गई थी, तो आता तो बेटा ने मतलब सारी रात दिन मसला 2-3 दिन लगातार, तो मुंह वगैरह से उससे फर्क पड़ गया, फिर एक जगह तो ऐसा रहा भट्ठा, मतलब बिल्कुल ऐसे पत्थर जैसा, और उसमें बिल्कुल चीज सी मार रही थी, बड़ा पेन हो रहा था, तो उस दिन इन्होंने किया हीलिंग जो बोलते हो आप, वो करने से अब मेरे तो उस दिन के बाद कुछ है नहीं, बिल्कुल साफ हो रहा सब दर्द। वाह। हाँ तो यह बात आज मन में महसूस हुआ कि उससे हुआ ठीक, नहीं अभी तक तो मेरे को यही पता नहीं था हुआ किससे ठीक। हाँ तो क्योंकि लास्ट तो इन्हीं से करवा था, उसके बाद मन ने फिजियोथेरेपी करवाई न कुछ और, तो उसी से हुआ वैसे। हाँ तो हाँ ये चीज तो आपकी मतलब ठीक लगी मेरे को, जब इन्होंने अब ये जकर अब ये एक्स मतलब हमारा प्रैक्टिकल भी हो गया, अब ये सही रूप में मतलब सही चीज है, बहुत बढ़िया। हाँ थैंक यू तिवारी जी, इस तरह से ही रखो और बहुत अच्छा। शैलेंद्र जी थैंक यू सर। हाँ आपके विचार, आपका जो है जो कोई चीज आप ले रहे हो आप बहुत बढ़िया ले रहे हो, नू को झूठ मूठ का अपना बड़ो यार चल मेरे भाई, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट सर जी, चलिए सर बहुत बढ़िया, आपने अच्छी बातें करी सुबह सुबह, मजा आ गया। थैंक यू तिवारी जी, करते रहिए, बढ़िया चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलो ठीक है, फिर आप फ्री हो जाओ, फिर शाम को बात करेंगे, है ना? राइट सर, ओके राइट।